नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेवीपी चैनल पर। आज मैं बिल्कुल अलग काम करने वाला हूं, आपके लिए एक मोबाइल का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। ये रियलमी का मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट पे, रियलमी C1 है इसका नाम। ये एक लो बजट वाला मोबाइल फ़ोन है, बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है लो बजट में। ये जस्ट 7500 का है। ये 2GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट है। वैसे दो कलर में आता है, एक नेवी ब्लू और दूसरा मिरर ब्लैक। इसके अलावा इसमें 3GB रैम वाला भी वेरिएंट है, उसके लिए आपको 1000 रुपये बढ़ के देने पड़ेंगे, यानी कि 8500। तो क्या है इसमें खास बात और ये आपके लिए अच्छा हो सकता है या नहीं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे और आप देखते रहिए, आपके लिए बहुत खास होने वाला है ये वीडियो। चलिए देखते हैं इसे। चलिए देखते हैं इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। मैं ओपन करता हूं, देखिए। तो ये रहा बॉक्स के अंदर मिला हुआ हमें बिल। ये देखिए आप, 7499, यानी कि 7500। तो ये रहा इसका बॉक्स और ये जो कलर है, ये कलर है मिरर ब्लैक। वैसे चलिए देखते हैं। वैसे एक बात बता दूं, मैं ये 2019 वाला मॉडल मंगाया था। चलिए इसे अनबॉक्सिंग करके देखते हैं अब। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ निकलता है। ये रहा, हाँ तो ये रहा, देखिए आप, ये पिन ज़रूरी पिन है। अच्छा, तो एक ट्रांसपेरेंट पाउच भी इसके साथ है। ये सब तो हर फ़ोन के साथ होता है, क्विक गाइड वगैरह है, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह है। ये रहा हमारा फ़ोन और इसके साथ में ये रहा इसका चार्जर। ये कोई क्विक चार्जर नहीं है, याद रखिए बात है। और वैसे इसके साथ एक स्क्रीन गार्ड अप्लाई किया हुआ है, जो इसके साथ ही लगा हुआ है, देखिए आप, देख सकते हैं आप। अच्छा मोबाइल है, बेहद ही खूबसूरत है और इसका कलर भी वाकई में बेहद ही अच्छा है। 6.2 इंच इसका डिस्प्ले है और डुअल सेटअप कैमरा है। 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है, मेन कैमरा। और इसका जो फ्रंट का इसका जो सेल्फी कैमरा है, ये 5 मेगापिक्सल का है। और बहुत अच्छा मोबाइल है, दिखने में तो बेहद ही खूबसूरत है। चलिए मैं इसे अब बूट अप करता हूँ। रियलमी पावर्ड बाय एंड्रॉइड। ये एक HD प्लस डिस्प्ले है, ये कोई फुल HD नहीं है, लेकिन इसका जो कैमरा है, आप इससे फुल HD में भी शूट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। अभी ये बूट अप होने वाला है। ये देखिए, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कंटिन्यू। इसकी फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू। बहुत शानदार डिस्प्ले, देखिए नॉच डिस्प्ले। आपको 7500 में ये और क्या देगा। चलिए अब इसका फेस अनलॉक देखते हैं कैसा है। वैसे फिंगरप्रिंट सेंसर तो इसमें मौजूद ही नहीं है, देखते ही चलिए, देखिए फास्ट है, अच्छा है, फास्ट है। वैसे अगर इसके कैमरे की बात की जाए तो देख लीजिए एक बार, इसका कैमरा भी देख लेते हैं हम। यहां पर अभी फिलहाल आर्टिफिशियल लाइट है, अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है। एक बार सेल्फी कैमरा भी देख लेंगे इसका।
आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में मुझे इसका कैमरा, सेल्फी कैमरा तो उतना खास नहीं लगा, लेकिन अब 7500 में और भी क्या देगा ये, फिर भी बेहतर ही है, अच्छा ही है, नॉट बैड बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, चलिए एक बार इससे कुछ वीडियो शूट करके देख लेंगे। ये देखिए मैं इसी के कैमरे से शूट कर रहा हूँ और आवाज़ भी इसी से ही रिकॉर्ड हो रही है। बॉक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है देखते हैं ये ठीक तरीके से कैच कर पाता है या नहीं। इमेज स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन है, कुछ खास लाइट तो है ही नहीं इस कमरे में, और अगर कभी आप डे लाइट में लेंगे तो यकीन मानिए इसका आपको जो आउटपुट आएगा वो बेहद बेहद अच्छा आएगा। वैसे इसमें वीडियो कैप्चर और वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर कभी बात करें तो जो इसका कैमरा है मुझे तो ठीक ही लगा। वैसे इसका जो कलर प्रोडक्शन है वो भी बेहतर है, ये देख सकते हैं आप। मुझे तो कैमरा बेहद ही अच्छा लगा। 7500 में ऐसा कैमरा तो शायद ही आपको कोई दूसरे फोन में देखने को मिलेगा। चलिए अब कुछ बातें इसके डिस्प्ले से ताल्लुकात कर लेते हैं। ये एक 720 पिक्सल का HD प्लस डिस्प्ले है। वैसे इसका व्यूविंग एंगल भी बेहतर ही है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। वैसे चलिए इसे प्ले करके देखते हैं, वीडियो प्ले करके देखते हैं। वैसे इसका जो साउंड है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है, लाउड है। देखिए चलिए कुछ बातें अब इसके स्पेसिफिकेशन की कर लेते हैं। वैसे ये फ़ोन आपको अलग अलग मेमोरी ऑप्शंस में आएगा। 2GB रैम वाला मेरे पास है, 32GB इसका इंटरनल मेमोरी है, जिसे आप चाहे तो एक डेडिकेटेड स्लॉट की मदद से 256GB तक बढ़ा भी सकते हैं, यह अच्छी बात है। और देखिए आप 6.2 इंच का एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, एक नॉच डिस्प्ले है सबसे बड़ी बात ये रेंज में, एक HD प्लस डिस्प्ले है, ये कोई फुल HD डिस्प्ले नहीं है। 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ये एक डुअल सेटअप कैमरा है, मेन कैमरा, और इसका फ्रंट कैमरा है सो 5 मेगापिक्सल का है। हालांकि इसकी बैटरी काफ़ी बड़ी है, 4230mAh इसकी बड़ी वाली बैटरी है। और सबसे अच्छी बात इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है उसे 1.8GHz पर रखा गया है, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, बेहद ही खास। और बहुत सारे कंपनी खास करके वीवो ओप्पो वाले इसे मिड रेंज में भी यूज़ करते हैं, एक अच्छा प्रोसेसर है। और ये जो फ़ोन है मेरे पास वो 2019 का एडिशन है, नया है, लेटेस्ट है, फेस अनलॉक है, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा इसके साथ। और मॉडल नंबर C1 है, मिरर ब्लैक है, ड्यूल सिम है, आजकल तो हर फोन ही ड्यूल सिम है। इसका जो रेजोल्यूशन है, डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो 1520x720 है, क्योंकि जाहिर बात है ये एक HD प्लस डिस्प्ले है और 19:9 रेशो वाला डिस्प्ले है, तो 1520x720 ही होगा, HD प्लस है। एड्रेनो इसका जो ग्राफिक है, एड्रेनो 506 है, 16.7 मिलियन इसमें कलर्स हैं, अच्छा फ़ोन है। और लेटेस्ट वर्ज़न एंड्रॉयड ओरियो 8.1 के ऊपर चल रहा ही है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 32GB इसकी मेमोरी वगैरह वगैरह, डेडिकेटेड स्लॉट,
और कैमरे की बात करें तो ड्यूल सेटअप कैमरा विद एआई ब्यूटिफिकेशन मोड, बुके इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्लैश भी मौजूद है इसके अंदर, आप चाहे तो इसमें वीडियो शूट 30 फ्रेम पर सेकंड पे कर सकते हैं और फुल HD में आप चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1920x2080 पिक्सल के साथ। और 4G वोल्ट है दोनों ही स्लॉट, अच्छी बात है। बाकी सब तो काम नीचे, देखिए आप PPI इसका थोड़ा सा कम है, अगर ये थोड़ा और बढ़कर होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन कुछ खास तो आपको पता चलेगा नहीं, फ़र्क तो आपको वैसे महसूस होगा नहीं। इसके डिस्प्ले को मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा है इसका डिस्प्ले, और बस इतना ही है। इसका एक फुल रिव्यू भी मैं जल्दी करूँगा आपके लिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।